आज का ये वीडियो है, अगर आप कोई भी आपकी पुरानी लोन है जो पहले सिबिल में शो करती थी या अभी भी शो कर रही है या बहुत पुरानी है 2007-2005 और आप अपने हिसाब से उस बैंक में जाके पेमेंट कर रहे हो, या पेमेंट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, बैंक से क्या क्या लेना है, उसके रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो है। क्योंकि काफ़ी सारी पुरानी लोन से उसके अंदर आप इसीलिए पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट करने वाले हो कि जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाए और ये पुराना जो भी आपका अकाउंट है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए बैंक से आपको क्या क्या डिटेल्स लेनी है पेमेंट करने से पहले, इसके रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो है, तो आप अंत तक जरूर देखिए। आप कोई भी पुराना अकाउंट अगर बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बात आप ध्यान रखना है, या मेल कम्युनिकेशन के ऊपर मिस बैंक के ऑथोराइज्ड ईमेल आईडी से, या आप अगर लोकल ब्रांच में जाके विजिट कर रहे हो तो बैंक से एक ऑफर लेटर जरूर लीजिए कि उसके अंदर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप जब इसका पेमेंट कर दोगे तब आपका क्रेडिट ब्यूरोज के अंदर जो भी नेगेटिव फ्लैग अभी शो कर रहा है कि राइट ऑफ दिख रहा है या सेटलमेंट दिख रहा है, वो परमानेंटली जो उनकी बिलिंग साइकिल है वहाँ पे अपडेट होके नल एंड ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा आपको ईमेल में या लेटर पे लेना ही चाहिए, जिसे ऑफर लेटर कोई बैंक बोलती है, जिसे कोई बैंक सिबिल मास्किंग अमाउंट लेटर बोलती है, या एक कन्फर्मेशन लेटर फॉर सिबिल क्लीनअप ऐसा बोलती है। मीन्स आप जब भी कोई बैंक में पुराने आपके ड्यूज का पेमेंट सिबिल को ठीक करने के लिए कर रहे हो तब आपको बैंक से ये लेटर लेना ही लेना है, या ईमेल में आपको राइटिंग में बैंक से कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं बैंक में के रिलेटेड कि उनके कस्टमर केयर ने ये बोल दिया और कस्टमर ने जाके पेमेंट कर दिया, फिर क्या होता है कि अकाउंट सेटल हो जाता है, पैसा तो बैंक में ही जाता है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, बट आपका इंटेंस उसको सेटल करना नहीं है, सिबिल ठीक करने का है कि जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो और एग्जिस्टिंग जो आप लोन ले रहे हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बराबर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आप कोई बैंक से कॉल पे कम्युनिकेशन करके पुराने क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन्स, टू व्हीलर लोन, कोई भी लोन हो उसका पेमेंट करवा रहे हो, तो बैंक से बकायदा मेल पे पूरा राइटिंग में लिखवाइए, या उनको बोलिए कि आपको लेटर भेजे, या लोकल ब्रांच अवेलेबल हो तो लोकल ब्रांच में लेके हार्ड कॉपी लीजिए। भले ही बैंक ये लिख के दे आए आपको कि भाई आफ्टर रिलीजिंग द चेक या पेमेंट करने के बाद, वो जो भी लिख के दे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो तो बैंक लिख के ही देगा, बट ये डेफिनेटली आपको लिखवा देना चाहिए। क्योंकि जाके इन फ्यूचर आपको कभी भी आपका अकाउंट सेटल्ड हो जाए या कोई अपडेट नहीं हो रहा तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि भाई बैंक के साथ आपने राइटिंग में लेने के बाद ही ये पेमेंट को करवाया है, जिससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है या जो आपका आप जिसकी जिस वजह से इसको पेमेंट करवा रहे हो, जो चारों चार ब्यूरो में अपडेट हो जाना चाहिए, वो सभी बिल्कुल भी अच्छी तरह हो जाए कि आपको कोई आगे जाके कोई परेशानी नहीं हो। और अगर बैंक नहीं करती है तो उसके ऊपर आप RBI कंप्लेंट भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए कि बैंक ने पहले आपके साथ ये कमिटमेंट किया था, उसके बाद बैंक ने ये अपडेट नहीं किया है, तो RBI भी ऑर्डर करके आपके फेवर में वो जजमेंट देगी। थैंक यू वेरी मच। आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, और अगर इस क्रेडिट ब्यूरोज के रिलेटेड या लोन के रिलेटेड आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको आपके पर्टिकुलरली आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी हेल्पलाइन को भी कॉल कर सकते हो, वी आर अवेलेबल, आप मिस्ड कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।